हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी, तो मैं अभी कोई ज्ञान नहीं दूंगा आपको कि आपको ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो किन बातों को आपको कल के एग्ज़ाम में ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बाय द वे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको नंबर मिले। सबसे पहला टिप्स, तो ज़रूरी टिप्स ये है, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप उसको कुछ लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपको क्या लिखना चाहिए वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर वन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आता है पेपर रीडिंग। जब हमें पेपर मिलता है, 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, हमें पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। पेपर को अच्छे से रीड करते हुए पढ़ना है, ये करना है आपको और ये नहीं करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और सेकेंड चीज़, घबराहट नहीं होनी चाहिए आपके मन में, बिल्कुल भी घबराहट ना हो, दिमाग को शांत रखना है। अगर आपके मन में घबराहट होगी तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आपको नहीं आएगा, एग्जाम टाइप में आपके मन में वो क्लिक नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे आता है सेक्शन वाइज, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सेक्शन वाइज करना होगा। ये नहीं कि आप मिक्सर कर रहे हैं, सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन कर लिए, सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे जब करोगे ना तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो आपकी कॉपी को अच्छे से जाँचेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक तरीके से करोगे जैसा पूछा गया है वैसे ही आप लिखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, एग्जामिनर के लिए भी उसको चेक करने में सुविधा होगी और वो आपके कॉपी को अच्छे से चेक कर पाएगा। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन, कॉपी का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है ना, तो आपको कटिंग पिटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है तो आपको साफ साफ लिखना है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 लाइन लिखा फिर काट रहे हैं, फिर 3 लाइन लिख रहे हैं फिर काट रहे हैं। कट पिट जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, ठीक है, और साफ सुथरा लिखो। अगला आता है आपके पास कि आपके पास अगर क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे उसकी अगर बात की जाए, तो अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो प्रॉपर डेफिनेशन दो, उसकी एग्जांपल दो, अगर बोला है एग्जांपल दो तो दो, अगर नहीं बोला है तब भी दो। फिगर आपसे बनाने के लिए बोला है तो बनाओ, अगर उसका कोई फिगर बन सकता है तो उसको भी बनाओ। आपसे पूछा है कि सर इसमें तो फिगर नहीं बनाने के लिए बोला है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर नहीं बोला है, अगर आपको आता है आपके पास टाइम है तो फटाफट एक छोटा मोटा फिगर बना दो, तो उसको आप अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन दिख पाएगा। उसके साथ ये चीज़ होनी चाहिए, किसी चीज़ में क्वेश्चन में पूछता है या नहीं पूछता है, आपको फिगर, एग्जाम्पल, रिएक्शन अगर है तो देना है तो अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है 5वां टॉपिक आपका आ रहा है शॉर्टकट, किसी भी शॉर्टकट से आपको बचना है, कोई शॉर्टकट आपको यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन देना है आपको साइंस का। ये नहीं कि एक वर्ड में आंसर दे दिया ख़त्म, ऐसा नहीं, साइंस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन देना है आपको पूरा पूरा, किसी भी शॉर्टकट से आपको बचना है। और लास्ट आता है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। देखो हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं, 1-2 कीवर्ड्स होते हैं, सो आपको क्या करना है, उन कीवर्ड्स पे आपको डेफिनेशन लिख दो उस कीवर्ड्स की, उसके एग्जांपल लिख दो, उससे मिलते जुलते जो भी आपके यूजेस हैं लॉसेस हैं वो लिख दो। सो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत कनेक्ट करेगा क्वेश्चन से, तो एग्जामिनर उस पर कुछ ना कुछ नंबर छोड़ेगा। अच्छा यही है कि आप बिल्कुल छोड़ने से अच्छा कि कुछ ना कुछ लिख दें, अगर ऐसा करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर ये टिप्स आपको हेल्प करती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।